हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल दोस्तों मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने मोस्ट इम्पॉर्टेंट असम से रिलेटेड जीके लेके आया हूँ सो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा uh, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो असम में हेल्ड होगा अपकमिंग सो so, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए सो देखिए नंबर वन क्वेश्चन विच इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड टैंक इन असम सो असम के लार्जेस्ट मैन मेड टैंक कौन सा है सो so, राइट आंसर होगा जयसागर क्वेश्चन नंबर टू द आसम रीजन वाज सेपरेटेड फ्रॉम द बंगाल प्रेजिडेंसी एज नॉर्थ ईस्ट देखिए एज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर सो कौन से साल में राइट आंसर होगा एट्टीन सेवेंटी फोर क्वेश्चन नंबर थ्री द आसम गैस क्रेकर प्रोजेक्ट वाज अप्रूव्ड इन सो राइट आंसर होगा टू नेक्स्ट क्वेश्चन सो देखिए ये क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ आप लोग एक बार देख लेना हम इसको स्कीप करते हैं uh, जो देखिए सेम क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया वन टू थ्री में नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर देखिए सेवन द फर्स्ट असम फिल्म जयमती वॉज रिलीज इन द ईयर सो राइट आंसर होगा नाइनटीन थर्टी फाइव क्वेश्चन नंबर एट द आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहाट वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर सो राइट आंसर है देखिए नाइनटीन सिक्सटी नाइन सो आसम का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे जोरहाट पर याद रखना क्वेश्चन नंबर नाइन हुच वन डिस्ट्रिक्ट इज डिक्लेयर एज द फर्स्ट कार्बन फ्रीड डिस्ट्रिक्ट इन आसम आल्सो इन इंडिया इंडिया में भी और असम में भी सो राइट आंसर होगा माजुली क्वेश्चन नंबर टेन हु इज द फर्स्ट एडिटर ऑफ द आसम इस मेगाजीन जो नाकि सो राइट आंसर होगा चंद्र कुमार अग्रवाला याद रखना क्वेश्चन नंबर इलेवन हु इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ आसम सो देखिए नाउ नोन एज गुहाटी हाई कोर्ट सो राइट आंसर होगा देखिए आर एफ लॉज याद रखना यह सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन आसम सो आसम में कितना नेशनल पार्क है सो राइट आंसर होगा सेवन नेशनल पार्क जो 2021 पे जितना मुझे याद है सो देखिए दो नेशनल पार्क को कह सकते हैं हम लोग जो दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कह सकते हैं हम लोग नेशनल पार्क बनाया गया सो देखिए एक था रना नेशनल पार्क दूसरा था डिब्रू सॉरी धींग पट का ही नेशनल पार्क याद रखना सो ये दो बड़ा है पहले तो फाइव था उसके बाद दो और बढ़ा क्वेश्चन नंबर थर्टीन हु इज़ नोन एज द लायन मैन ऑफ असम सो राधा गोविंद बरुआ याद रखना ही इज़ ऑल्सो द फाउंडर ऑफ आसम ट्रिब्यून नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन जोरहाट जिमखाना क्लब इन हुई सॉरी हुइच इज द ओल्डेस्ट गोल्फ कोर्स इन एशिया एंड द थर्ड ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड सो ये कौन से साल में इस्टब्लिश किया गया जोरहाट जिमखाना क्लब सो देखिए जो राइट आंसर होगा देखिए एटीन याद रखना क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन हल्दिया चरा बोधन खाई ऑन द नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म सो इन दर राइट आंसर होगा नाइनटीन एट्टी एट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन हु आज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द आसाम साहित्य सभा आसाम साहित्य सभा के फर्स्ट प्रेसिडेंट पद्मनाथ गोहाई बुरुआ सो देखिए आसाम साहित्य सभा जो एस्टाब्लिश हुआ था वो 1917 को हुआ था और इसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो शिव सागर में हुआ था याद रखना ये क्वेश्चन नंबर सेवनटीन हुई वन इज अ फर्स्ट एस एम एस नोबेल टू इन द साहित्य अकेडमी अवार्ड सो राइट आंसर होगा आयरंगम याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटीन द आसाम मेडिकल कॉलेज आज फॉर्मरली नोनस ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सो राइट आंसर होगा वेरी वाइट मेडिकल कॉलेज और आज so, right का लास्ट क्वेश्चन हुई लैंग्वेज इज यूज बाई द शंकर देव टू रिटर्न द बॉर्डिथ सो राइट आंसर होगा ब्रजावली सो so, आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच और अपकमिंग एग्जाम के लिए जैसे आसम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम होगा या जैसे डी का जो एस सी अभी रिसेंट होगा सो so उसके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बी एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर so, आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच